नमस्कार, बीबीसी में आप सभी का स्वागत है। बीबीसी में आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के तिरुवल्लर से 5 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन से चुनकर आए हुए कांग्रेस के दलित सांसद शशिकांत सेंथिल जी के साथ। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी में। नमस्ते शशिकांत जी, आपका जो जर्नी है अब तक का वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, तो पहला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। आप इंजीनियर थे, उसके बाद यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बने, उसके बाद आप सांसद बने, तो एक कैसा रहा जर्नी? जर्नी तो बहुत वेरीड रहा, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव भी रहा। मैं एक फर्स्ट जनरेशन दलित फैमिली से आता हूँ। मैंने अपने फादर का जो भी स्ट्रगल्स है वो बहुत समझा, और वो जो पेन एक कास्ट सिस्टम में होगा उसको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इस 50 इयर्स में जो हमारे जो सिचुएशन था और अब जो हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिला, जो वो पॉलिटिकल आइडिया था उसका एक अपने आप को एक प्रोडक्ट मानता हूँ। और मैं जब कॉलेज में गया था, मेरे फादर का ऑलवेज एक सजेशन था मुझे कि तुम एवरी टाइम तुम अपना जो रास्ता है, जो तुमने आया है, उसको तुमको याद रखना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं। अच्छा, और वापस जाके देखना भी है। तो मैं उसी आइडिया से मैं अपना लाइफ भी चला रहा था, क्योंकि हर चीज़ में मुझे वो दिखता था। और कॉलेज से हमारा तो कंप्यूटर रहा था, तो कंप्यूटर्स में हम अच्छे थे, तो एक जॉब भी मिला एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। मगर ये बात जो मेरे फादर का था वो मेरे ऑलवेज मेरे अंदर दिमाग में रहता था। तो हम फिर यूपीएससी के बारे में हमने सोचा और ट्राई किया, और 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो क्लियर भी हुआ था। तो मैं एक पोजीशन में आया जहाँ पे मैं सोसाइटी के साथ काम कर सकता हूँ। 2014 में जब मैं एक डीएम था और देश का इलेक्शन भी हो रहा था, तो जो व्यक्ति उस 2002 का बहुत सेंटर में थे, जब वो इस देश का प्रधानमंत्री बने, तो मुझे लगा एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। मुझे बहुत क्लियर था कि अगर इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को अगर हम ऐसे ही छोड़े विदाउट रेसिस्टेंस, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। और जिस पॉलिटिकल आइडिया से मैं आया हूँ, जिस पॉलिटिकल आइडिया को मैं मानता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करने का टाइम भी आ गया है। अच्छा, तो इसलिए मैंने अपना जॉब छोड़ा। अच्छा, अगला सवाल जो है, आप अभी अभी सांसद बने हैं, 2 हफ्ते हुए आपने शपथ लेकर, तो अभी लेकिन संसद बहुत गर्म चल रही है। हमने देखा जो पिछले 2-3 दिन में तो बहुत बड़ी बड़ी बहस हुई है, उसमें खास करके हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहस हुई है। और जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उन्होंने जो स्पीच दिया, उसमें से कुछ मुद्दे जो एक्सपंज कर दिए, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो बहुत सिंपल है। फासिज्म का एक बहुत बड़ा आर्म होता है, बहुत बड़ा वेपन होता है प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा में झूठ बोलना और उस झूठ को बहुत लाउडली बोलना आज का तरीका नहीं है, वो हिटलर से हो रहा है। तो कल राहुल जी ने जो संसद में जो बोला, उन्होंने इतना ही बोला कि हमारे देश में जो भी आप धर्म ले लीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, सबका एक ही मकसद है कि अहिंसा, एक ही मकसद है प्यार, रेस्पेक्ट, यही है फंडामेंटल। तो जो अहिंसा के अलावा जो हिंसक होते हैं, वो कभी अपने आप को किसी धर्म का विजिटिंग कार्ड नहीं माना जाते हैं। तो उन्होंने बोला, अगर तो आप लोग सुबह से लेके शाम तक सिर्फ, माने बीजेपी वालों, सुबह से लेके शाम तक आप पूरा हिंसामय ही हैं, डर फैला रहे हैं, तो आप अपने आप को हिंदू धर्म का जो फॉलोअर्स कहने के लिए लायक नहीं है, करके उन्होंने एक कमेंट किया। तो इसको ऐसे ही ट्विस्ट करके प्रधानमंत्री इमीडिएटली उठ के बोला कि राहुल जी ने पूरा हिंदूज को ऐसे बोला करके, बट इट इज़ अ कंप्लीट लाई। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि हिंदू हिंदुत्व की बात चल रही है, और इसमें एक जो आलोचना या सवाल उठाया जाता है राहुल गांधी के बारे में, कि वो अपनी छवि सॉफ्ट हिंदुत्व की बनाना चाहते हैं,
और जिस तरीके से मुसलमानों के बारे में बोलना चाहिए जोर शोर से, जिस जो उनकी समस्या है, जो इश्यूज उनके सामने हैं, वो उतनी जोर शोर से नहीं रखते, ऐसी आलोचना उनकी की जाती है। ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का बात हो रहा है, वो एक्चुअली जैसे हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, हिंदू मैं हूँ, आप हो, हमारा धर्म है। तो राहुल गांधी अपने धर्म के बारे में क्यों छुपे हैं? वैसे इस देश में किसी को अपने धर्म के बारे में नहीं छुपना चाहिए, और ये हमारा ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है। फ्रेंच सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म का बहुत डिफरेंस है। इंडियन सेक्युलरिज्म सेलिब्रेट्स एवरी आइडेंटिटी, नॉट ओनली रिलीजन। इट सेलिब्रेट्स योर जेंडर, इट सेलिब्रेट्स योर लैंग्वेज, इट सेलिब्रेट्स वॉट एवर यू आर। तो राहुल गांधी जब बोलते हैं ये लोग सॉफ्ट हिंदुइज्म, ये आरोप, इट इज़ नॉट वैलिड एट ऑल। आपने अभी जो लोकसभा सदस्य की शपथ ली थी, उस वक्त आपने शपथ के बाद जो स्टेटमेंट दिया था, या उसी वक्त आपने जो कहा था, वो ये था कि दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो शेमफुल एट्रोसिटीज़ है वो तुरंत रोक दी जाए, ऐसा आपने कहा था। और बीच में आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुस्लिम्स जो है वो आज के नए दलित हैं। तो मुसलमानों की स्थिति कैसी, आपको क्या लगता है, और आपने ये स्टेटमेंट जो दिया है उसके पीछे की सोच क्या है आपकी? देखिए, ये अभी जो बीजेपी का सोच है वो एक्चुअली मुस्लिम को एक टूल बना के वो इलेक्शन जीतते हैं, इतना ही है। मगर उनका ओरिजिनल टारगेट जो है वो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज में जो पिछड़े और दलित जो पिछले 50 ईयर से ऊपर आए हैं, एक्चुअल विक्टिम्स वही हैं, क्योंकि ये लोग उस मानसिकता से हैं जहाँ पे उनको समानता एक्सेप्टेड नहीं है। और जो बंदा उनके खेत में बैठ रहा था, अभी वो आके पार्लियामेंट में बैठ गया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए। मगर मुस्लिम्स को एक टूल बनाया जा रहा है कि वो ये लोग इलेक्शन जीते, और ये जो हिंदू समाज का मेजोरिटेरियनिज्म जो बनाया जा रहा है, ये भी एक मिथ है। मैं इतना बोल सकता हूँ, जो भी बाहर का मेजोरिटेरियन स्टेट जो भी हुआ था हिस्ट्री में और अभी भी है, उनसे और भारत का मेजोरिटेरियन में बहुत डिफरेंस है। इन लोगों ने जो मेजोरिटेरियनिज्म करके रखा वो भी फेक है एक्चुअली, क्योंकि मेजोरिटेरियन कंट्रीज में क्या होता है, मेजोरिटी जो कम्युनिटी है या उनको एडवांटेज मिलता है। अच्छा। और जो माइनॉरिटीज है उनको डिसएडवांटेज करते हैं। मगर भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे बीजेपी का फेक मेजोरिटेरियनिज्म है, यहाँ पे एक्चुअल विक्टिम्स ही मेजोरिटी है। अभी मुसलमानों की बात हो रही थी, उसके साथ साथ दलितों की बात भी हम करेंगे। दलितों को लेकर कांग्रेस को जी आलोचना होती रही है कि कांग्रेस की, कि कांग्रेस सिर्फ उनकी तरफ एक वोटर करके देखती है, एक वोट बैंक करके देखती है, और असल में दलितों का जो हित है वो कांग्रेस के एजेंडा पे नहीं रहता है। अभी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी जो कुछ दलित पार्टियां थी, जिसमें मायावती है, प्रकाश अम्बेडकर है, उन्होंने भी कांग्रेस को लेके यही मुद्दा उठाया था। आपको सही में लगता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीरियस है दलितों के हित के लेकर? देखिए, हर पार्टी का तीन स्तंभ होता है, एक है आइडियोलॉजी, एक है ऑर्गेनाइजेशन और एक है लीडरशिप। कांग्रेस का आइडियोलॉजी क्या है? कांग्रेस का आइडियोलॉजी बनाता फ्रीडम मूवमेंट पे, और वो फ्रीडम मूवमेंट, मैंने पहले भी बोला, सिर्फ अंग्रेजों को बाहर भेजने के लिए सिर्फ नहीं था, वो एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाना का भी बहुत बड़ा मूवमेंट था। आई एम हियर सिटिंग हियर नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट समबडी स्पोक अबाउट थिंग्स, बिकॉज समबडी मेड लॉस। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का लीड किया था, उसका पूरा आइडियाज और डिस्कशन कांग्रेस पार्टी का था, बहुत लोग उसमें शामिल थे, और कांग्रेस हैज़ ऑलवेज स्टूड विद द पीपल। नाउ ऑर्गेनाइजेशनली कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ है, लीडरशिप में भी कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है। मगर एज अ वैल्यू सिस्टम, एज आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी इज ऑलवेज विद द डाउनट्रॉडन, उसमें कुछ सेकेंड थॉट ही नहीं है। एक जो ऑब्जेक्शन लिया गया जाता है हमेशा, कि जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, जो कैंडिडेट्स दिए जाते हैं लोकसभा में खास करके, उसमें बहुत कम जगह आपको दिखेगी कि ओपन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो रिजर्व नहीं है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट का उम्मीदवार कांग्रेस द्वारा दिया जाना बहुत रेयरली होता है। जैसे मुंबई में वर्षा गायकवाड़ जो है उनको दिया गया था, या कुछ कुछ जगह पर। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जगह पे होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो जो कमियाँ हैं उसको
करेक्ट करने का स्पेस भी कांग्रेस में ही मिलता है। अगर मैं एक अपना रीजनल पार्टी में कहीं जाऊं, वहां पे तो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है मेरी बात ही नहीं चलता है, है ना। तो कांग्रेस में अगर मैं फाइट करूं अपना सिस्टम के लिए, वो चलेगा और चल रहा भी है अभी भी। और इसको और डेमोक्रेटिक और इक्विटेबल पार्टी बनाना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो स्पेस वहाँ पे है। और यू आर वेरी राइट, देर आर मेनी थिंग्स टू डू, इंक्लूडिंग SC ST दलित्स, OBCs, इंक्लूडिंग वीमेन, जेंडर, बहुत सारे काम हमको करना है। और उस काम को करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बढ़िया वेसल कांग्रेस ही है। अच्छा, दलित राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं देश भर में? अभी जो दलित राजनीति की राह है, जो अभी की कंडीशन जिस स्टेट में है, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी दलितों का बात में आता हूँ। ये पूरा जो जातवाद का सिस्टम है वो इंडिया का खासियत है, और मेरे हिसाब से भारत में वही चलता है। इवन ये हिंदू मुस्लिम बाद में चलता है, ये अगर कुछ हर भारतीय के अंदर जो नर्व है वो कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम से जो आया हुआ सब कुछ चीज़ है। नाउ हम बहुत टाइम बात करते हैं ब्राह्मणवाद के बाद या दलितों के, बट ये कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर का ऊपर नीचे ये लोग खड़े हैं, और उस कास्ट सिस्टम का पूरा वेट दलितों के ऊपर है, क्योंकि और कोई एक्सपीरियंस नहीं करता। सिंपल थिंग लाइक हमारा सरनेम, जो तमिलनाडु में हमने सरनेम छोड़ दिया सब लोग पेरियार के मूवमेंट के बाद। तो अभी नॉर्थ इंडिया में देख रहा हूँ बहुत लोग के पास सरनेम है। हर जब मैं अपना नाम पुकारता हूँ, आपका कास्ट को भी उसके साथ ही बोल के पुकारता हूँ ना, तो आपको इसमें कुछ नहीं है, आपको भी कुछ नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग हम सोचते हैं हम कास्टिस्ट नहीं है। मगर जब ये पुकारा जाता है तो कास्ट सिस्टम तो बढ़ता है ना, तो उसका पूरा वेट दलितों के ऊपर आता है। तो आप ऐसे एक समाज में आप बोलिए दलितों का फ्रीडम कहाँ से मिलेगा? हाँ, हम थोड़ा अट्रोसिटीज इधर उधर प्रिवेंट कर लिए, थोड़ा लॉज इधर उधर डाल दिए, मगर हम कास्ट सिस्टम को ही कभी क्वेश्चन नहीं किए। अंबेडकर जी का बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग ये है, जब तक आप इस कास्ट सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे वो दलितों के आपका कभी भी आप उनको फ्री नहीं कर सकते हैं। और अफर्मेटिव एक्शन जो है वो एक मेडिसिन है, उस मेडिसिन से थोड़ा राहत तो मिलेगा, मगर ये जो सोशल स्टिग्मा है वो कभी नहीं जाएगा। और इस कास्ट सिस्टम को समझना और इसको नकारना, नॉट जस्ट रिलैक्सली एक्सेप्टेड, नकारना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी तक हम उस लेवल में नहीं गए, कोई भी पार्टी उस पॉलिटिक्स को उस लेवल में नहीं लेके गए, और उसका समाज का समझ भी इतना नहीं आए। शायद अंबेडकर जी रहते तो कुछ होता था, मगर आई डोंट थिंक नथिंग हैज हैपेंड एज ऑफ नाउ। सो दलित सिचुएशन इन माय ओपिनियन इज नॉट वेरी गुड एट ऑल, इसलिए आपको इतना बुरा अट्रोसिटीज हर जगह में देखने मिलते हैं। इवन तमिलनाडु में जहाँ पे हम बोलते हैं पेरियार का लैंड है, फिर वहाँ पे भी हम सिर्फ ब्राह्मणवाद को फाइट किए, कास्टिज्म को फाइट नहीं किए। फास्टिज्म सिर्फ अभी भी चल रहा है, बहुत तेजी चल रहा है। तो आई थिंक एज अ सोसाइटी वी हैव टू अंडरस्टैंड कास्ट। और दलित बात आ गई दलित पॉलिटिक्स का, उसी रेस्ट्रिक्टेड अंडरस्टैंडिंग से हर जगह कुछ रेसिस्टेंस मूवमेंट ही चल रहा है, मगर एक ओवरऑलिंग सिर्फ दलितों से नहीं आएगा, बल्कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन से ही वो आएगा। और वो मूवमेंट तब बनेगा तब सबको अंडरस्टैंडिंग आएगा ये कास्ट क्या चीज़ होता है। आखिरी सवाल जो है तमिलनाडु को लेकर है, तमिलनाडु में आपका जो DMK और कांग्रेस का अलायंस है उसका प्रदर्शन तो अच्छा ही रहा, आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लाए हैं, लेकिन BJP का वोट शेयर बढ़ा है। तो आप और जो BJP ने पिछले कुछ सालों से वहाँ बहुत एग्रेसिवली अपने आप को वहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, और उसके बाद उनका ये वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, आपको इसमें क्या लगता है? देखिए, BJP का एक स्टाइल है एक बहुत बड़ा पार्टी को अलायंस पार्टनर बनाना, फिर उसको मारना और उसका थोड़ा अपर लेवल का वोट शेयर लेना, ये हर जगह उन्होंने किए हैं। और तमिलनाडु में वो अटेम्प्ट हुआ है ADMK के ऊपर। अभी ADMK बहुत वीक हो गए और BJP अपने आप को थोड़ा आगे दिखाने का कोशिश कर रहा है,
मगर ये कंप्लीट ट्रूथ भी नहीं है। सेकेंडली जो साउथ में एक ड्रामा बना जा रहा है, एक बहुत बड़ा ये बना जा रहा है, ये साउथ के लिए नहीं बन रहा है, ये नॉर्थ के लिए बन रहा है कि नॉर्थ वाले सोचे कि हमारा प्रधानमंत्री इतना बड़ा बाहुबली है तो इसके हाथ से तमिलनाडु और केरला कैसे जा सकता है, वो आर्ग्यूमेंट में बैठता नहीं है। अच्छा, तो वो मूवी बनाया जा रहा है साउथ इंडिया में, बट दिखा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में कि मोदी जी उधर भी उनका चाह रहा है, बट तमिलनाडु में कोई इनका केयर भी नहीं करते हैं। तमिल जनता का एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सेंथिल जी बीबीसी से बात करने के लिए। थैंक यू।